रांची में मुख्यमंत्री मेडिकल किट में एक्सपायरी दवा देने का मामला सामने आया है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया है और आनंद फानन में किट में से एक्सपायरी दवाओं को बदल दिया गया। लेकिन अहम सवाल यह है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो मुख्यमंत्री राहत किट में एक्सपायरी दवा बांटकर कोरोना पीड़ितों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री राहत किट में किसने बांटी एक्सपायरी दवा? होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों में बांटी गई किट, कोरोना पीड़ितों की जान से खिलवाड़। झारखंड में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच रांची जिला स्वास्थ्य समिति की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को शुक्रवार को मुख्यमंत्री राहत किट बांटी गई थी। उस किट में एंटी एलर्जी की दवा लेवोसेट एम भी रखी गई थी, लेकिन किट में रखी गई लेवोसेट्रिजिन पिछले साल नवंबर में ही एक्सपायर हो चुकी है। एक्सपायरी दवा वाली ये किट ज्यादातर रांची और बुंडू इलाके में बांटी गई। राजधानी रांची के होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को मुख्यमंत्री कोरोना किट दी जाती है, जिसमें मास्क, जरूरी दवाइयां और सैनिटाइजर होते हैं। लेकिन इस किट को बांटने में एक बड़ी लापरवाही की बात सामने आई है, जब कई संक्रमित मरीजों को जो किट मुहैया कराई गई है उसमें एक्सपायरी दवाइयां थी। इसको मौजूदा एंटी एलर्जी की दवा लेवोजिम 11 नवंबर 2021 को ही एक्सपायर हो गई थी और यही दवाओं को कई मरीजों तक पहुंचाया जा चुका है। हालांकि अब अभी भी जो तस्वीरें नजर आ रही होंगी उसमें मुख्यमंत्री राहत किट है, जिसमें एक्सपायरी दवा की बात सामने आई थी। मामले का खुलासा होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जो किट नहीं बटी थी उन्हें वापस मंगाकर दवा बदली जा रही है। वहीं एक्सपायरी दवा के मामले पर रांची सिविल सर्जन का कहना है कि गलती से कुछ एक्सपायरी दवाएं रखी गई थी, जिसे ठीक कर लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर उपायुक्त ने टीम गठित कर जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच के बाद संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई का भी निर्देश दिया जा चुका है। दवा चेंज कराने में वो दवा छूट गई होगी और जिसकी गलती से हुआ है उसके ऊपर डीसी साहब बोले हैं कि हम इंक्वायरी करेंगे, उसके जो न्याय संबद्ध कार्रवाई होगी करेंगे। खाने से तो लिवोसिटीजिन ने कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए कि उस सबका अगर रहा भी होगा तो एक दो महीने का ये होगा, ज्यादा उससे कुछ होगा नहीं। जो भी दवा एक्सपायर करती है लगभग 6 महीने तक ठीक रहती है। रांची के सभी जिलों में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमितों को मुख्यमंत्री राहत किट दी जानी है। ऐसे में इस तरह की गंभीर लापरवाही से होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना पीड़ितों की जान को खतरा हो सकता है। कामरान, जी मीडिया, रांची। और अब बात करेंगे कोरोना की। कोरोना को लेकर पूरी तरह